पिछले दिनों हमने आपको गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद सेतु में गड़बड़ी आने की खबर दिखाई थी। भारी वाहनों के आवागमन के चलते पुल पर संकट खड़ा होता दिख रहा था। अब इस पुल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस सड़क पर उतरी है। पुल से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब पुल पर केवल छोटे वाहनों व खाली वाहनों को ही चलने की अनुमति है। पुल पर आवागमन की व्यवस्था देखने के लिए यातायात प्रभारी प्रवीण यादव अपने साथियों के साथ गुरुवार सुबह सुखदेवपुर चौराहा पहुंचे। वहां उनकी टीम ने वाहनों की चेकिंग भी की। इस क्रम में बिना मास्क या हेलमेट लगाए बाइक सवारों का चालान भी काटा गया। जानकारी के मुताबिक 78 वाहनों का चालान किया गया है। नियम तोड़ने वालों से 3200 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर सख्त है। स्पष्ट कहा गया है कि अगर पुल से भारी वाहन गुजरे तो कार्रवाई होगी। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।